दोस्तों आपको अपनी फोटो के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, आप 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से घर बैठे अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और आप अपनी मन पसंद का बैकग्राउंड अपनी फोटो के पीछे लगा सकते हैं। तो आपको A to Z यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है, यानी आपको सर्च बार में यहाँ पे BC रिमूव आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप इसे यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप देख सकते हैं, यानी रिमूव बैकग्राउंड की आपके सामने यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जिस इमेज को आपको यहाँ पे लेना है, जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपको, उस इमेज को यहाँ पे ले लेना है। तो मैं यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और आपके सामने देख सकते हैं कि लाइव यहाँ पे इस इमेज का यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आपका यहाँ पे आसान तरीके से प्रॉपर रूप से यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मन पसंद का बैकग्राउंड कैसे लगाना है, यानी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, यानी आपको एक कस्टम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यानी आप प्लस पे क्लिक करके जो आपने यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आप उस बैकग्राउंड को भी इस फोटो के पीछे यहाँ पे लगा सकते हैं। या इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे इमेज दी गई है, इस इमेज को भी यहाँ पे लेकर के इस फोटो के पीछे अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पहाड़ी वाला इलाका वाला यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डन पे क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस इमेज का यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो चुका है। और अब आपको यहाँ पे कस्टम वाला बैकग्राउंड भी यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कस्टम वाले को लिया जो हमने यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे डाउनलोड कर रखा था, यानी वही बैकग्राउंड इस इमेज के पीछे आ जाएगा। आपके सामने लाइव है, आपको देखते जाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया है, यानी जो आप अपनी मन पसंद का बैकग्राउंड भी इस इमेज के पीछे लगा सकते हैं। इस तरह करके आप यहाँ पे आसानी से अपनी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे आसानी से यहाँ पे उसके पीछे लगा सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके यहाँ पे गैलरी में ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और आप आसान तरीके से कहीं पे भी इस इमेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव किया है। क्योंकि कई बार पासपोर्ट साइज की फोटो बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको डेली मेरे इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।